कुछ ऐसा यार उपाय बताओ जिस तरह हम थोड़ा सा सही से रहना है। मैं दही लेने जा रहा हूँ यार, तुम सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हो, मैं नहीं जानता। बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, और अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम आने वाले हैं। 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्ज़ाम में बैठेंगे, 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं, बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए, और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका, या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है। लेकिन सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल करने बहुत ज़रूरी हैं। मैं और कई देशों के उदाहरण देख रहा था। कई देशों ने, जहाँ जहाँ सेकेंड वेव का प्रकोप आया है, कई देशों ने अपने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। हमारे देश के अंदर कई राज्य सरकारों ने अपने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स कैंसिल किए जाएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिभाग तिवारी है एंड मैं इंदौर में रहता हूँ। और आज यहाँ पे जो कोरोना केसेस आए हैं वो 1500 के ऊपर चले जा चुके हैं, और अभी कहा जा रहा है कि इंदौर में अभी तक इतने केसेस नहीं आए हैं। तो यार, एक सिटी का ऐसा हाल हो रहा है तो पूरे देश का तो आप लोग जानते हो कैसा हाल हो रहा है। इस वक्त में सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम लेना चाहता है, मतलब मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर कैसे। और 4 मई को अगर मान लो कोई बंदा एग्ज़ाम देने गया, कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देने गया एंड वो कोविड पॉजिटिव हो गया, तो जो बाकी एग्ज़ाम है वो कैसे देगा? इसका क्या मतलब, समझ में मुझे ये नहीं आ रहा है कि कैसे कंडक्ट करवाने वाले हैं। इतनी बोल रहे हैं कि सेफ्टी लेंगे और 50% कोरोना वो ऐसे इंक्रीज कर दिए, सेंटर इंक्रीज कर दिए, फिर भी यार कोरोना हो सकता है? कोरोना ऐसे देख के नहीं आता कि भाई इतने सेंटर, नहीं, कोरोना तो आया था। और दूसरी बात ये कि इतने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, वहाँ पे इतना सख्त गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है, वहाँ पे जब कोरोना केसेस हो रहे हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकते यार? और इतना ज़रूरी है, जान से ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम लेना। समझ में ये नहीं आ रहा कि पढ़ू कि नहीं पढ़ू। हाँ, एक अभी आप लोग कहोगे कि यार मतलब पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतना मत सोचो बस पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे नहीं दे पा रहे पढ़ाई पे ध्यान, भाई सच कह रहा हूँ। भले सोच भी लेना कि यार नहीं होंगे एग्जाम कैंसिल, पढ़ो, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दिया जा नहीं रहा है यार, सच कहूँ मैं। मैं सीधे बात कह रहा हूँ कि या तो कैंसिल करो या फिर कुछ ऐसा यार उपाय बताओ जिस तरह हम थोड़ा सा सही से रहना है। मैं दही लेने जा रहा हूँ यार, तुम सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हो, मैं नहीं जानता। सीबीएसई कुछ तो भाई मतलब करो, क्योंकि अब मेरे को सही में डिप्रेशन होने लग गया यार, सच में दिमाग खराब हो गया मेरा। तो प्लीज़ कोई आके बताओ, कोई सामने बाके बताओ। अभी तो मैं ये सब ऐसे यूट्यूब वीडियो पे वीडियो से देखे आ रहा हूँ, मुझे पता नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। एकदम कोई ऐसा ऑफिशियल आके बता दो भाई कि क्या है, पढ़े कि क्या करना है, कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो चुका है। प्लीज़ हेल्प।